एक बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले शव पर पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। पिता ने ही बेटी आयुषी यादव को गोली मारी थी। दूसरी जाति के शख्स से शादी करने से पिता नाराज थे। पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटी को गोली मारी थी। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में मिला था शव। और पुलिस के खुलासे के बाद टीवी 9 रिपोर्टर सुमंत आयुषी यादव के घर पहुंचे। वहां से उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के मथुरा में लाल रंग के सूटकेस में मिली लावारिस लड़की की लाश की आखिरकार शिनाख्त हो गई। जी हां, वो लड़की दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर इलाके के मोलरबंद की रहने वाली थी। इस वक्त मैं मोलरबंद इलाके के उसी गली नंबर 65 में मौजूद हूं और मेरे पीछे ठीक ये जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान में मृतक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दरअसल लावारिस ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लाश जब से मिली तब से लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी थी और आखिरकार पता चला कि युवती इसी मोलरबंद की 65 नंबर गली के रहने वाली है। और उसके बाद युवती के परिवार वालों को पुलिस ले गई और जब शव की शिनाख्त हुई और जब ये पूरा मामला मामले का खुलासा हुआ तो लोग सन्न रह गए। दरअसल ये मामला पुलिस के मुताबिक ऑनर किलिंग का है और लड़की के पिता ने ही लड़की की आखिरकार हत्या कर दी थी। इस पूरे इलाके में जैसे ही ये खबर लोगों को पता चला, आसपास के लोग भी सकते में हैं, चूंकि ये जो सामने घर देख सकते हैं इसी में ये परिवार रहता था और ये उनकी इसी घर के ठीक सामने एक और घर है जो किराए पे उन्होंने चढ़ा रखा था। लड़की के पिता का बदरपुर इलाके में ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। एक शख्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। परिवार के बारे में क्या जानते हैं धीरज, चूंकि आप यहीं रहते हैं इसी गली में रहते हैं? परिवार देखो बहुत अच्छी फैमिली थी, ऐसा कोई परिवार को खराब बैकग्राउंड नहीं था, लोग अच्छे लोग थे, बच्चे भी बहुत अच्छे थे, देखो सामाजिक बच्चे थे और अच्छे बच्चे थे, बट ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब आप लोग भी हैरान है? हम लोग हैरान है सर, बिल्कुल हैरान है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो पड़ोसी भी, जैसे ही पड़ोसियों को भी इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पड़ोसी सकते में है, उनका साफ तौर से कहना है कि बेहतर होता कि परिवार आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लेता, लेकिन फिलहाल परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जो है वो और भी पूछताछ कर रही है। जानकारी यही मिल रही है कि किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ युवती का प्रेम प्रसंग था, इसी बात से पिता नाराज थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।